मेरी गाड़ी एक लीटर में तकरीबन 65 किलोमीटर चलती है, 8 किलोमीटर चलती है। मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, कितने पैसे ले रहे हैं आप? 450 भाई, एक पंचर के 450 ले रहा है ये दुकान वाला। शाबाश बेटा। तो मेरा टूट पड़ा है, इसमें एक पंचर भी नहीं है, सिर्फ गुब्बारा हो गया। गुब्बारा होने की वजह से ये हवा निकाल रहा है। एक्सीडेंट हुआ, ये बेचारा यहाँ से गिर गया। तो वो हमारा ट्रैक्टर आ चुका है उसको टो करने के लिए, उसको निकालने के लिए, क्योंकि अब इसको शहर लेके जाएंगे भाई। इसको शहर लेके जाएंगे क्योंकि अब स्टार्ट नहीं होगा। सारा इसका ऑयल नीचे गिर चुका है, आप लोग चेक करें भाई, ऑयल वगैरह सारा नुकसान हो गया। तकरीबन बड़ा इलाका पक्का नुकसान हो चुका है। एक ऑयल तकरीबन 950 रुपये लीटर है, एक लीटर भाई। इसमें 8 लीटर ऑयल डलेगा और वो अलहदा तेजा बैटरी का अलहदा और जो स्पीकर वगैरह टूट गए मॉडल। नुकसान हो गया बेचारों का। अल्लाह पाक इनको सब्र करने की तौफीक अदा करे। घर बिल्कुल नेटवर्क नहीं चल रहा था तो इसलिए मैं अभी आ गया हूँ बड़ो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ठंडा ठंडा जूस मंगा लिया, ऊपर से भाई ठंडे ठंडे पंखे चल रहे हैं। यहाँ पे गर्म हवा नहीं चल रही क्योंकि शहर है, शहर के हिसाब से गर्म हवा यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। मैं अकेला बैठा हूँ, मेरे सब कोई ठंडा नहीं है। आलवन बट हैप्पी कंट्रोल। तो जूस पीने में आया तो मेरी गाड़ी पंचर हो गई, आप लोग चेक करें नीचे, यहाँ से मैं दिखाता हूँ। ये क्या सीन हो गया, मैं जूस पीने आया, 5 मिनट के अंदर क्या गाड़ी बाहर से पंचर हो गई, पता नहीं किसी ने हवा निकाल दिया। बुरा हाल हो चुका है मेरे साथ, गाड़ी पंचर हो चुकी है। पंचर गाड़ी पे मैं जा रहा हूँ भाई, अगर ट्यूब खराब हो गया तो मेरे 800 रुपये बस फंस जाएंगे आज भाई। आज ही होना था, मैं गया जूस पीने के लिए, गाड़ी पंचर हो गई। सामने बहुत गड्ढा है अरे फारी फारी, पता हरामी हो बेटा। सर मेरी गाड़ी पंचर हो गई, अब आ गया वहाँ से पंचर लेके। सही निकलवा, मेरा नहीं गाड़ी का पंचर निकलवाना है। मेरा टूट पड़ा है, इसमें एक पंचर भी नहीं है, सिर्फ गुब्बारा हो गया। गुब्बारा होने की वजह से हवा निकाल रहा है, पता नहीं क्या सीन हो गया। मैं अंदर गया बाहर, पंचर थी गाड़ी, अब नया ट्यूब डलवाते हैं। भाई बोल रहा है ये नहीं चलेगा, पंचर भी नहीं है फिर भी नहीं चलेगा, नया डलवा दो। मैंने कहा ठीक है भाई, ये न्यू ट्यूब आ गया भाई, ये नया ट्यूब मैं डलवा रहा हूँ, वो नीचे वाला। अब वो उसमें चोली डाल, दूसरा भी डाल रहे हैं, दोनों डालेंगे भाई। जदीद दौर आ चुका है, एक ही टायर में दो दो ट्यूब डलेंगे। कितने पैसे ले रहे हैं आप? 450 भाई, एक पंचर के 450 ले रहा है ये दुकान वाला। इतनी महंगाई आई तो नहीं, आप इतने पैसे ले रहे हैं? महंगाई नहीं, सस्ता ही है भाई। एक पंचर के 450 अच्छा नया टूबला। हाँ मैं सोच रहा था एक पंचर के 450, एक पंचर के 100 रुपये ले रहे हैं, पक्के पंचर के। अच्छा पक्के पंचर के 100 रुपये, जो कच्चा होता है सिंकल वाला 70 रुपये, फिर महंगाई नहीं आई। यार मुझे कपड़े लेने थे लेकिन ये बहुत हार्ड कपड़े, इतनी गर्मी करते हैं बस मैं बहुत जलील हो चुका हूँ। क्योंकि हम गांव में रहते हैं ना, देहाती लोग हैं, देहात में रहते हैं, फिर थक चुके हैं भाई, ये कपड़े नहीं पहने जाते। तो मैं अब यहाँ से लेने आया हूँ, एक जोड़ा लेता हूँ। कुछ नहीं मेरे पास हत्ता के तू भी नहीं। बात मुझे ये करनी थी, मेरी गाड़ी एक लीटर में तकरीबन 65 किलोमीटर चलती है, 50 किलोमीटर चलती है, और जो लंबे रूट पे 50 किलोमीटर चलती है, और जो गांव में चलाते हैं ना, विलेज में देहात में चलाते हैं, वहाँ पे 60 किलोमीटर चलती है, बस यही एवरेज दे रही है। मैं जा रहा हूँ पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए, वैसे सोच रहा था पिछले पंप से पेट्रोल डलवाऊँ, फिर बातों ही बातों में मैं आगे निकल गया। अब बस खैर है, आगे से हम डलवाते हैं पेट्रोल, और मुझे सब्ज़ी भी लेनी है, पता ही नहीं चला इतनी लेट हो गई, बाइक पंचर हो गई, और उसके बाद में चला गया कपड़े लेने के लिए। यहाँ पे बहुत जलन हो रही है, मुझसे आवाज़ भी नहीं निकल रहा सही तरीके से भाई, बहुत थक चुके हैं। आप लोगों के लिए व्लॉग्स भी बनाने होते हैं, नेटवर्क भी नहीं है भाई, ये भी रोले चल रहे हैं, फेसबुक भी बैन हो चुका है, फेसबुक बिल्कुल भी नहीं चल रहा, बैन हो चुका है भाई, फिर भी कोशिश कर रहे हैं वाईफाई से उधारी लेके उस पर बस व्लॉग अपलोड कर रहे हैं। मुझे BTCL लगवानी है गाँव में, लेकिन लगवानी तो वही है, केबिल कैसे आएगी? मैं ये बातों से परेशान हो गया, मेरी खोपड़ी निकल रही है पीछे से यार। तो बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, अभी घर चलते हैं क्योंकि घर जाने का टाइम हो चुका है। हमारा इलाका है ना वो बहुत ख़तरनाक है, डेंजरस इलाका है, आप लोग समझ सकते हैं। तो अब जाते जाते मैं आप लोगों को अपनी गाड़ी की राइड करवाता हूँ, और इसकी स्पीड मैक्स स्पीड इसकी जो लिमिट है ना स्पीड की, वो भी मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ कितनी है इसकी। यहाँ पर गड्ढे बहुत हैं यार, चलते हैं भाई इसकी ट्रायल लेते हैं, ये कितनी भागती है, इसमें कितनी जान है, मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ। फिर
कभी ट्राई करेंगे, आज रास्ता बहुत खतरनाक था और रश भी बहुत थी, रश की वजह से मैं बिल्कुल नहीं गाड़ी पकड़ सका। फिर कभी फ्री रोड पे बाईपास वगैरह पे आप लोगों को मैं चेक करवाता हूँ कितनी बाकी है। अब मैं घर जा रहा हूँ, लेट जा रहा हूँ, लेट हो गई भाई, पता भी नहीं चला लेट हो गए। और मैंने सामान वगैरह पूरा ले लिया, आप लोगों को मैं चेक करवाता हूँ, चेक करें सारा सामान मैंने ले लिया, कुछ नीचे सेफ गार्ड में पड़ा है, कुछ यहाँ ऊपर टैंकी में पड़ा है। अच्छा तूफान चल रहा है अभी, अंधेरी आने वाली है, उससे पहले मैं घर चलता हूँ, ऐसे ना बस रास्ते में अंधेरी आ जाए।